चलिए अगले सवाल को भी हम शामिल करते हैं। हमारे साथ प्रभा है रायपुर से। प्रभा स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। चलिए लगता है इनसे अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। इन्होंने हमें एसएमएस के जरिए भी सवाल पूछा है। बीनू इनका सवाल है, ये एनपीएस पर जानना चाहती हैं, ये 4000 मंथली इन्वेस्ट कर रही है एनपीएस पे, और ये जानना चाहती हैं कि उस पे टैक्स कैलकुलेशन किस तरह से होगा। हाँ, इनका जो बेसिक कंसर्न वो ये है कि इनके एम्प्लॉयड जो कंट्रीब्यूशन है उस पे टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा। तो मैं इनको बताना चाहूंगी प्रभा जी को, जो इनका एम्प्लॉयर जो इनको जो कंट्रीब्यूशन दे रहा है इनके एनपीएस स्कीम में, वो अंडर सेक्शन 80C 1 लाख की लिमिट के तहत कवर नहीं होगा। ये जो अमाउंट है ये इनके सैलरी में ऐड होगा, जिसका कि सेपरेट डिडक्शन क्लेम कर सकती हैं। तो हम ये मानते हैं कि इफेक्टिवली ये टैक्स फ्री रिटर्न होगा इनके लिए। जी प्रभा, इनफैक्ट हमारे साथ अभी लाइन पर भी है। प्रभा आप कुछ और सवाल पूछना चाहती है बीनू से? मैम मैं यही पूछना चाह रही थी कि जो गवर्नमेंट के द्वारा जो कंट्रीब्यूट होता है वो एटीसी के अंतर्गत ऐड होगा या नहीं होगा। जी बीनू इनका सवाल वही है जो जी मैंने आपको बताया ना, आपका जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है वो एटीसी के तहत कवर नहीं होगा 1 लाख के स्टैंडर्ड डिडक्शन में। ये अमाउंट जो है वो आपके सैलरी में ऐड हो जाएगा, जिसके लिए कि आप स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकती हैं। जी बीनू आपने और दर्शकों के लिए हमें ये भी बताया कि जिस तरह से एनपीएस का फिलहाल नाम भी चेंज हुआ है, नेशनल पेंशन सिस्टम हो गया है, और अब इसमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज हैं और क्या क्या पैरामीटर्स हमें ध्यान रखने पड़ते हैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। एनपीएस रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड करने का एक बहुत ही अच्छा साधन है, और इसमें यह होता है कि 40% आपको एनुटी में जमा करना पड़ता है जब ये कॉर्पस बिल्ट हो जाता है तो। और अगर आप छोटे इन्वेस्टर हैं, छोटा अमाउंट ऑफ पेंशन है, तो इसको आप इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके साथ जाके, जैसे कोटक है और कोई SBI है, अदर बैंक्स भी हैं, जिनके साथ जाके आप अपना एनपीएस का अकाउंट खोल सकते हैं। उसमें आपको अपने सारे डिटेल्स, आपका रेजिडेंस प्रूफ, आपका ID प्रूफ वगैरह देना पड़ता है, और फॉर्मेलिटी बहुत सिंपल है, और आई थिंक इसके लिए सबको एनपीएस का स्कीम के साथ जाना चाहिए। चलिए एनपीएस जिस तरह से बीनू ने बताया कि रिटायरमेंट कॉर्पस अगर आपको बिल्ड करना है उसके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और Tier 1 और Tier 2 के भी अकाउंट के ऑप्शंस हैं, इस तरह से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल ईमेल के जरिए शामिल करते हैं।